नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज। दिखाते हैं आपको झालावाड़ और मंदसौर जिले की देर शाम की तमाम खबरें। बात करते हैं सबसे पहले भवानी मंडी क्षेत्र से। पुलिस थाना भवानी मंडी की टीम ने अवैध धारदार हथियार रखने वाले बदमाशों के विरुद्ध कार्रवाई की। अपराधियों को पकड़ उनके कब्जे से 2 धारदार छुरे जब्त किया। आपको बता दें कि अवैध मादक पदार्थ, अग्निशस्त्र तस्करी और संपत्ति संबंधी अपराध, चोरी, नकबजनी में लिप्त रहे अपराधियों की गिरफ्तारी के अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चिरंजीलाल मीणा के निर्देशन में मनोज गुप्ता वृत्ताधिकारी वृत्त भवानी मंडी और थानाधिकारी रमेश मीणा थाना भवानी मंडी के निकटम सुपरविजन में भवानी मंडी पुलिस थाना टीम द्वारा अलग अलग स्थानों से धर पकड़ कर 2 व्यक्तियों को पकड़कर उनके कब्जे से 12 धारदार छुरे जब्त किए और 2 मुलजिमान के विरुद्ध आर्म्स एक्ट में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। खानपुर कस्बे के पंचायत समिति परिसर में संचालित अन्नपूर्णा रसोई के समय पर नहीं खुलने से मजदूर परेशान हो रहे। अन्नपूर्णा रसोई के खुलने का समय प्रातः 8:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक का है, जबकि यह रसोई प्रातः 10 बजे तक भी नहीं खुलती है। वहीं शाम के समय 4 से 9:30 बजे तक का समय होता है, उसके बावजूद भी यह समय पर नहीं खुलती है, जिसके चलते मेहनत करने वाले मजदूरों को समय पर भोजन नहीं मिल पाता और कई मजदूर तो अन्नपूर्णा रसोई से ही भोजन खाकर मजदूरी के लिए जाते हैं। वह भी रसोई घर को बंद देखते वापस भूखे लौट जाते हैं। वहीं प्रशासनिक अधिकारी भी अन्नपूर्णा रसोई योजना की कोई सुध नहीं ले रहे हैं, जिससे ग्रामीणों और मजदूरों में काफी रोष व्याप्त है। खानपुर उपखंड क्षेत्र के सारोला थाना क्षेत्र के बोरखेड़ी गांव में कक्षा 1 का छात्र स्कूल की छुट्टी से खेत पर जाते समय रास्ते में बिना मुंडेर के कुएं में गिरने से उसकी मौत हो गई। मामला सामने आया है। सारोला थाना प्रभारी रमेश सिंह ने बताया कि बोरखेड़ी गांव निवासी कक्षा 1 में अध्ययनरत छात्र 6 वर्षीय मयंक मीणा पुत्र पवन मीणा राजकीय स्कूल में छुट्टी होने के बाद स्कूल से खेत पर सरसों की फसल कटाई कर रहे माता पिता के पास जा रहा था, तभी रास्ते में पैर फिसलने से बिना मुंडेर के कुएं में जा गिरा और घटना के करीब 3 घंटे के बाद परिजनों को पता चला तो सूचना पर सारोला SHO रमेश सिंह मई जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से कुएं का पानी निकालकर शव कुआ देर रात सारोला CSC की मोर्चरी में रखवाया, जहां आज पोस्टमार्टम करवा कर शव को परिजनों को सौंप दिया। कामखेड़ा पुलिस ने ताशपत्ती पर दाव लगाते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 950 रुपये जब्त किए। थानाधिकारी सुनील वर्मा ने बताया कि थाना क्षेत्र के बांदा गांव में लगभग 7 व्यक्ति ताशपत्ती पर दाव लगा रहे थे। वहीं मौके पर पहुंचे तो पुलिस टीम को देखकर उनमें से कुछ व्यक्ति भागने में सफल हुए। वहीं बारा जिले के चाहरपुरा निवासी अर्जुन उमेन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से 950 रुपये जब्त किए हैं। पुलिस टीम में थाना अधिकारी सहित कॉन्स्टेबल अरविंद मीणा, ओम प्रकाश, राजू वर्मा, जोधराज का काफी सहयोग रहा। अब बात करते हैं मंदसौर शहर से। मंदसौर शहर के अति प्राचीन गोवर्धननाथ मंदिर में फागुन मास की शुरुआत हो चुकी है और करीब 170 साल पुराने इस मंदिर में पूरे 40 दिनों का फागुन मास मनाया जाता है और इसी तरह बसंत ऋतुराज मनाया जाता है, जो कि शंकर भगवान के द्वारा मनाया जाता है। इस प्रकार यह 40 दिन का होली गुलाल उड़ाए जाते हैं और फाग मनाया जाता है। मंदसौर में श्री रिद्धि सिद्धि उत्सव समिति मंदसौर के तत्वावधान में 28 फरवरी को सायकाल गणपति चौक में विशाल भंडारे महाप्रसादी का आयोजन किया जाएगा। सायकाल 4:30 बजे श्री द्विमुखी चिंताहरण गणपति मंदिर में मां आरती होगी। इसके पूर्व आकर्षक और दुर्लभ पुरुषों से मंदिर को श्रृंगारित किया जाएगा और महाआरती के बाद कन्या पूजन और कन्या पूजन के साथ ही भंडारे महाप्रसादी का शुभारंभ होगा, जिसमें लगभग 30,000 श्रद्धालु के सम्मिलित होने की संभावना बताई जा रही है। मंदसौर में प्रति मंगलवार की तरह इस मंगलवार में भी मंदसौर जिला कलेक्टर कार्यालय सुशासन भवन में जनसुनवाई का आयोजन किया गया और जनसुनवाई में सैकड़ों लोग अपनी शिकायतें आवेदन लेकर अधिकारियों के समक्ष पहुंचे और निराकरण की मांग की। जनसुनवाई में कॉलेज विद्यार्थी भी पहुंचे, जिन्होंने छात्रवृत्ति की परेशानी से आवेदन देकर अवगत कराया तो वहीं विभिन्न प्रकार के मामलों से जुड़े फरियादी अपने गुहार लगाकर अधिकारियों के समक्ष पहुंचे और आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। मंदसौर नगर पालिका टीम द्वारा शहर के मुख्य चौराहे पर सड़कों पर लगे अवैध बैनर पोस्टरों को हटाने की कार्रवाई की है और इसके साथ ही बेतरतीब खड़े हाट ठेला और दुकानों के बाहर अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों की हिदायत दी। बता दें कि नगर पालिका टीम समय समय पर शहर के मुख्य चौराहे और सड़कों पर लगे बैनर पोस्टर को हटाने की कार्रवाई करती रहती। मंदसौर जिले में मंदसौर के बाद अब सबसे बड़ी मंडी
कहलन वाली श्यामगढ़ कृषि उपज मंडी में भी आज लहसुन, प्याज, रायड़ा, मेथी, गेहूं, धनिया, अलसी, अन्य उपज की बंपर आवक हुई है। शनिवार रविवार को शासकीय अवकाश होने के चलते आज सुबह 10 बजे खुली मंडी, लेकिन खुलने से पहले मंडी के बाहर मुख्य गेट पर ट्रैक्टर ट्रॉली व अन्य वाहनों में आई उपज की लंबी कतारें लग गई। सुबह कर्मचारियों द्वारा 50 से 60 ट्रैक्टरों को अंदर लिया, जिसके चलते मंडी के प्रांगण में छोटा होने के कारण हाउसफुल बताया गया। सुहासन नगर परिषद में भाजपा के सभापति सहित सभी पार्षदों ने परिषद अध्यक्ष और CMO पर 58 लाख के गबन का आरोप लगाया। सुबह 11 बजे से सभी पार्षद भाजपा के परिषद परिषद में कौशल विकास प्रशिक्षण के तहत हुए 58 लाख के भुगतान की जानकारी लेने के लिए बैठे हैं। सुबह से ही ना तो अध्यक्ष और CMO पहुंचे हैं वहां पर, ना ही कोई कार्रवाई हुई। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचोरी एंड मिस्टर भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिस्टर भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजेटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी। कदम गांव के हित में नहीं है। गांव का इतना ख्याल रहता तो ये कदम तुम उठाते महेंद्र। बस तुम्हारे ट्रैक्टर को अपना जौहर दिखाने का एक मौका दिया जाता है वीरू। मगर सरकार, और इंतजाम तुम करो। गांव वालों, मैसी की पहली परीक्षा भारी ढुलाई की। उस टीले तक पहुंचाना होगा। वाह महेंद्र, ये तो
तो और ट्रैक्टरों की तरह ऊपर उठा ही नहीं। लेकिन भाभी जी का घूंघा टूट गया बंदर। ब्रेक तो एकदम कड़क है। कड़क है। अब बारी है इस जमीन को चीरने की। सिर्फ मैसी में है चार तरह के पीटीओ जो हर उपकरण धारदार चलाए। टाइप पीटीओ, एमएस पीटीओ, जीएस पीटीओ और आर पीटीओ। वाह, चीर डाला। वाकई चीर डाला। और कुछ महेंद्र? नहीं, नहीं। मैसी के कारनामों से साफ है कि वीरू के कदम गांव के हित में उठे। वैसे मैसी की बचत के बारे में तो सब जानते। तो अब से घी खाओ देसी और चलाओ सिर्फ मैसी, क्योंकि बाकी सब सिर्फ ट्रैक्टर हैं। ये मैसी।